मियाँ शहबाज शरीफ और मरियम नवाज के लंदन मिशन की वजूहत सामने आ गई हैं। मुस्लिम लीग नून में धड़ेबंदियों की इतला पर मियाँ नवाज शरीफ ने मियाँ शहबाज शरीफ को लंदन तलब किया है। मजीद जान लेते हैं, नुमाइंदा खसूसी आसिम नसीर हमारे साथ मौजूद हैं। आसिम साहब, ग्रुप बंदी, धड़ेबंदी, ये तो बड़ा अहम मामला है जिस इसकी बुनियाद के ऊपर तलब किया गया है मरियम नवाज को और मियाँ शहबाज शरीफ को, ये खबर सामने आ रही है। देखिए इस वक्त जो शहबाज शरीफ की दोबारा वापसी है, यही सबसे बड़ा एक इशू है। और जो हमारे मुस्लिम नून के हमने मुतद्दिद सीनियर रहनुमाओं से गुफ्तगू की और नाम ना जाहिर करने पर उन्होंने बताया कि यहाँ पर कई मुख्तलिफ इशूज हैं, खासतौर पर एक धड़ेबंदी उनमें एक शामिल है कि लाहौर में भी एक बड़े पैमाने पर धड़ेबंदियाँ सामने आना शुरू हो गई हैं नवाज़ के इस्तकबाल के हवाले से। और उसके साथ साथ जो दो रोज कबल नवाज़ ने अपनी तकरीर की थी लंदन में लाहौर की मीटिंग से, उसके ऊपर जो है खास तौर पर संजीदा हलकों में शदीद उस पर रद्द अमल आया है और संजीदा हलकों की तरफ से उस पर तशवीश का इजहार किया गया है। और शायद यही वो पैगाम है जो शहबाज शरीफ लेके गए हैं। लेकिन केपीके, इसी तरह सिंध और बलूचिस्तान, उनकी तंजीम और उसके बाद अब लाहौर में पंजाब के मुख्तलिफ अजला में तो इस तरह नहीं, लेकिन लाहौर में एक बड़ा लाहौर का ग्रुप सामने आ रहा है जिसमें तकरीबन 15 के करीब MNA और MPA शामिल है जो कि नाराज हुए हुए हैं और उन्हें मनाने की एक बैठक भी हो चुकी है। और उसी सिलसिले में शहबाज शरीफ को पैगाम पहुंचाया गया था और अब शहबाज शरीफ जो है बाकायदा तौर पर जब लंदन जाएंगे तो उन लोगों के नामों के साथ वहां पर शेयर करेंगे। जराए का ये बता रहे हैं कि उन लोगों का एक चीज के ऊपर इत्तेफाक है कि अगर नवाज शरीफ खुद मामला देखेंगे तो हमारी नाराजगी नहीं होगी, लेकिन अगर कोई और देखे। बहुत शुक्रिया आपका आसिम नसीर साहब।